प्लान बना है गरियाबंद का। गरियाबंद पहुंच चुके हैं। है ना, सब देव है जी जी, ये महादेव है। नमस्कार, जय जगन्नाथ, स्वागत है आप सभी का एक और यात्रा पे। तो अभी समय हो रहा है 2 AM, सुबह के 2 बज रहे हैं, और अचानक घूमते घूमते आज एक प्लान बना है गरियाबंद का, सिद्धेश्वर महादेव। तो अभी निकलते हैं, तो 90 किलोमीटर की आज जर्नी होगी। तो आज आप सभी को यात्रा कराया जाएगा भूतेश्वर महादेव का। हर हर महादेव। फाइनली गरियाबंद पहुंच चुके हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह के पाँच बजे हैं, 3 घंटे लग गए हमें गरियाबंद आने में, और यहाँ सहारा लिया जा रहा है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ अंकल, यहाँ के बारे में कुछ बताइए आप। ये जो शिवलिंग है ना जी, ये प्राकृतिक शिवलिंग है जी। इसका ओरिजिनल जो है ना दक्षिण मुखी है। पहले कोई मानता नहीं था जी, तो गेट यहाँ पे सामने था जी, जहाँ पर कैमरा लगा था, तो गेट यहाँ पे था। अब जब लोगों का जो है मनोकामना पूरा होने लगा, और पुराना जमाने में जो है ना छोटा था जी, जानवर चराने आते थे तो लाठी लेके चढ़ के बैठ जाते थे ऊपर, है ना। अब जो है ना हर साल इसका लपाई होता है, हर साल बढ़ रहा। अच्छा, जस्ट जो है ना ये है दक्षिण मुख जी। अब इधर क्या है, रोड होने के कारण सामने बना दिए थे नंदी, ये आर्टिफिशियल है जी। ओरिजिनल नंदी जस्ट सामने है। अच्छा, क्योंकि नंदी के शंकर भगवान के सामने जलहरी जानते हो, जहाँ पानी गिर के बहता है बाहर, उसको जलहरी बोलते है। जलहरी भी उधरी मुखी है जी। और प्राकृतिक नंदी बाबा जो उधर सामने बैठा हुआ, तो वास्तव में ये दक्षिण मुखी है। और पहले पुराने जमाने में आवाज सांड माने बैला, मतलब आवाज आता था दहाड़ने का, आता था। हाँ, लोग बाग सयान लोग सुने हैं। अच्छा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 20-25 साल पहले की बात। तो लोग उसको भकुर्रा माने जानवर, जैसे भकुरत नहीं है, गुस्सात है, भकुर्रा इसलिए जो है ना भकुर्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा। लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी, और हर साल जो है इसका शिवरात्रि में नपाई होता है, तो हर साल 1-2 इंच बढ़ता है, और रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने भी है ना, वो यहाँ पे उसका दर्ज होता है, उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई वो सब बढ़ रहा है। तो यहाँ साक्षात महादेव जी का वास है, साक्षात महादेव जी का स्थान बैठा हुआ है। आपका जी देव जो है ना सब देव है जी, ये महादेव है। महादेव सबके दरवाजा बंद है, लेकिन उसके लिए 24 घंटा दरवाजा खुला है, इसीलिए किसी भी टाइम में आकर के दर्शन कर सकते हैं। आदि योगी कहा गया है इनको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर बलराम सिंह राजपूत। अंकल आपका नाम जी? आप लोग सब यहीं से हैं? नहीं नहीं, ये दोनों मरोदा के हैं जी, और हम दोनों जो है ना पारा गाँव के हैं। आपका शुभ नाम? कीर्तन बघेल। कीर्तन बघेल, धन्यवाद आप लोगों का। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो फाइनली गरियाबंद हम लोग आ चुके हैं, और मेरे पीछे आप लोग गेट देख सकते हैं, यह भूतेश्वर महादेव का गेट। इसी के अंदर में शिव जी की प्रतिमा है। तो यहाँ के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला, यहाँ के जो सज्जन व्यक्ति जो बैठे थे उनसे मैंने बात की, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आते वक्त जो ठंड लगा है भाई, धुंध इतनी ज़्यादा है, मैं आप लोग को अभी भी दिखाऊंगा, धुंध से हमारा हुडी एक बार गीला हो चुका, और आते ही हम लोगों ने आग जलाया, कुछ देर आग में बैठे, और उसके बाद अभी कुछ राहत महसूस हो रहा है। तो अभी इस जगह को आपको मैं सारा दिखाऊँगा, और फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ है अंदर। तो ये है भूतेश्वर महादेव का मेन गेट, चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इस मंदिर में और क्या क्या है। तो इस द्वार पे आप देखेंगे यहाँ शेर है, और
यहाँ के स्वागत में खड़े हैं प्रभु महादेव के दरबार, और यहाँ काफ़ी स्टॉल्स बनी हुई है। मुझे लगता है शिवरात्रि के मेले में यहाँ शायद कुछ बहुत अच्छा मेला लगता हो, इसलिए स्टॉल्स बनाए गए हैं। तो आप लोग मेरे बगल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ नंदी है, तो मैं आप लोग को वहाँ दिखाना चाहूँगा। दिस कैमरा उधर वो शिव जी है, और जैसे कि शिव जी के दक्षिण छोर में, जैसे कि शिव जी के दक्षिण छोर में नंदी जी विराजमान है। और यहाँ ये नंदी जी कहाँ से आए, कैसे आए, किसी को भी पता नहीं। बस एक मान्यता है कि ये नंदी जी प्रकट हुए हैं कहीं से। और उस शिवलिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, शिवलिंग जैसा कि मैंने बुजुर्गों से पूछा, ये शिवलिंग हर वर्ष बढ़ता रहता है। और चलिए मैं आपको ये शिवलिंग दिखाता हूँ। चलिए, हर हर महादेव, जटा दवी गलत जल प्रवाह पावितस्तले गले वलम वलम विता भुजंग तुंग मालिकाम दमट 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 दमन निना दवट दमर वयम सकार तनो तुलसी। जय बोले। इस ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के बारे, मूर्ति ना बोलूं तो इसको मैं साक्षात अगर आपको शिव जी बोलूं तो ये कोई दो मत की बात नहीं रहेगी। हर शिवरात्रि के अवसर पर इस जो आप छोटा पहाड़ देख सकते हैं उसको मापा जाता है, और हर शिवरात्रि के दिन वह कुछ इंच बढ़कर ही मिलता है। तो मान्यता ऐसी है कि यहाँ शिव जी का वास है। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत ही सुंदर है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। त्रिनेत्र, और यहाँ आप देख सकते हैं पत्थरों से बहुत ही सुंदर भगवान शिव और पार्वती की आकृति बनाई गई है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ संकट मोचन महाबली हनुमान जी का भी एक मंदिर है, उस मंदिर का भी आप दर्शन कीजिए। यहाँ आपको और भी मंदिर मिल जाएंगे, जैसे ये आपको दिख रहा होगा जय गुरुदेव, गुरुदेव जी का मंदिर है, आपको यहाँ का दर्शन कराता हूँ। जय गुरुदेव जी महाराज, जय गुरुदेव जी महाराज। सबसे पहले जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग तो रहने वाले गरियाबंद के हैं, लेकिन अब दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते। आपका शुभ नाम? प्रवीण मानिक। मैम आपका? मेरा नाम स्वाति मानिकपुरी जी। ये मंदिर आप कब से आ रहे हैं यहाँ? जब मैं क्लास 4 में पढ़ता था तब से, बचपन से। तो इस मंदिर के बारे में आपको बहुत जानकारी होगी। हाँ, ये काफी छोटा थे पहले भोलेनाथ यहाँ पे। अच्छा, अब काफी बड़े हो गए हैं, समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, और इस यहाँ के बारे में अगर और कुछ जानकारी आप देना चाहें। यहाँ पर एकदम पहले कहानी सुना था कि पहले तो यहाँ पर काफी जंगल था। अभी आप जो पेड़ देख रहे हो काफी पुराने पेड़ है, नए पेड़ नहीं है ये। तो यहाँ पर पहले नंदी का आवाज आया था, तो लोगों ने पहले खोजा कहाँ से आवाज आता है, कहाँ से। तब लोगों को दिखाई दे छोटे शिवलिंग थे, मेरे हिसाब से एक अभी जो जितने ये है ना नंदी उतने बड़े थे। तो उसके बाद से बढ़ते 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 इतने बड़े हो गए, यही कहानी है। कहानी, थैंक यू, धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये तो महादेव जी की नंदी है, लेकिन यहाँ और भी हैं जो इन्हें महादेव के गण बताया गया है। महादेव के गण मतलब राक्षस हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये महादेव के गण हैं। और ये नंदी, तो फाइनली हम लोगों ने कवर कर लिया है, बहुत अच्छा लगा। सत्या भाई आपको कैसे लगा? बहुत बड़ी आना आना सफल हुआ मुझे ऐसा लगता है। तो अभी चलते हैं, चलिए राजिम की ओर चलते हैं। और ये मैं पैरी नदी के पास, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। रायपुर में तो ऐसा लग रहा है ठंड है ही नहीं, लेकिन यहाँ आके हमको ऐसा पता चल रहा है कि ठंड, यही ठंड है। और चारों तरफ देख रहे हैं आप कोहरा ही कोहरा, आगे आप समझ लीजिए
पूरी रात हम लोग सोए नहीं, तो अभी दर्शन हो गया है महादेव का, बहुत जोर की नींद आ रही है, तो धुंध भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलाते बन नहीं रहा है। तो सत्या सोया है, वो देखिए सत्या का पैर दिख रहा है, सत्या वहाँ सोया है और मैं ही गाड़ी में सो जाता हूँ। एक घंटे बाद फिर अपन आगे निकलेंगे राजिम की ओर। गुड नाइट।